मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज वन में नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर बनाए गए रैंप, सर्विस रोड और साइकिल ट्रैक का किया उद्घाटन। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन, त्रिलोकपुरी विधायक रोहित कुमार, कोंडली विधायक कुलदीप कुमार के अलावा क्षेत्र के आप नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर बनाए गए रैंप, सर्विस रोड और साइकिल ट्रैक का फायदा दिल्ली के लोगों को मिलेगा, खासतौर से पूर्वी दिल्ली के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है, आप सरकार में तय समय पर प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, हालांकि कोरोना महामारी की वजह से सभी प्रोजेक्ट में देरी हुई है। जैसा भी आप लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ पे ये सर्विस रोड, रैंप, लूप और साइकिल ट्रैक इनका इनॉग्रेशन हो रहा है। इससे इस इलाके के लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, खासकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो मैं दिल्ली के लोगों को और खासकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये काम पूरा किया है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 6-7 साल के अंदर दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के खासकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, और जिस तेजी के साथ पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है, समय से कम समय में पीडब्ल्यूडी अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर लेता है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट्स हैं उसमें बचत करता है, डिज़ाइंस इस तरह से बनाए जाते हैं जो कि ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और बचत करने वाले होते हैं, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है। तो पीडब्ल्यूडी बहुत शानदार काम कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को अब नेक्स्ट लेवल पे दिल्ली में ले जाने की पूरी तैयारी चल रही है। ये वाला पूरा 1.5 साल और लगेगा, मार्च 23। वो जो अभी देखा आप लोगों ने, इन्होंने समझाया, दो हिस्से हैं जहाँ पे जमीन नहीं थी, विवाद चल रहा था। अब नवंबर में हमें जमीन मिल जाएगी वो वाली, तो नवंबर में जमीन मिलने के बाद जब ये शुरू होगा तो 1.5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से तो सारे कामों में पूरी जिंदगी रुक गई थी, आप लोग देख रहे हैं। लगभग 1.5 साल सारे प्रोजेक्ट्स एक तरह से 1.5 साल के लिए रुक गए थे। अब जब कोरोना नॉर्मल होने लगा है तो सारी जिंदगी फिर से ट्रैक पे आने लगी है। सेंटर भी चलते रहेंगे क्योंकि क्लासरूम काफ़ी हैं और नए भी बन गए हैं, तो क्लासरूम्स की कमी नहीं है हमारे पास। क्लासरूम्स जहाँ जहाँ राशन बंटने का और वैक्सीनेशन का काम जिन स्कूलों में चल रहा है वो चलता रहेगा, उसको थोड़ा सा बच्चों से अलग कर देंगे ताकि बच्चे उनके कॉन्टैक्ट में ना आए। और जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि चूंकि अभी 4 ही क्लासेस खुल रही हैं तो ऐसा कोई स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है। जो उन्होंने कहा, जो अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें कई सारे अहम निर्णय लिए गए हैं, एक तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जैसा आप लोग जानते हो कि लगभग 150 सर्विसेज ऐसी हैं दिल्ली के अंदर जो 1076 फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करो और आपके घर पे आके सरकार आपका काम करके जाती है। ये सर्विस केवल इंडिया में नहीं, पूरे देश में अपने तरह की अकेली सर्विस है। आपको अपना कोई भी काम कराना है सरकार से, आप फ़ोन करो और घर आके अफसर आपका काम करके जाता है। ये जो सर्विस कंपनी दे रही थी, जिस कंपनी को पिछले वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो अभी इस महीने पूरा हो रहा है। तो इस सर्विस को एक नए तरीके से और ज़्यादा अच्छा बना के, सुदृढ़ बना के दोबारा इसको टेंडर को फ्लोट किया जाएगा, उसके बारे में आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है। और इसमें कई सारे चेंजेस, जैसे 1076 को टोल फ्री किया जाएगा। पहले पूरी दिल्ली एक ही कंपनी करती थी, अब इसको दो हिस्सों में बांटा जा रहा है ताकि इनके बीच में एक तरह से कंपटीशन भी रहे। बाय चांस एक कंपनी का काम ठीक नहीं होता तो दूसरी कंपनी को इन्वॉल्व किया जा, तो दो हिस्सों में इसको, इस तरह के कई सारे चेंजेस हैं जो अभी थोड़ी देर में प्रेस रिलीज के जरिए आपको बताए जाएंगे। दूसरा, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के सारे अस्पतालों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है और एक
पोर्टल बनाया जा रहा है जिसके जरिए हमें पता रहेगा किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, किस अस्पताल में कौन सी कितनी दवाई है, सारी स्टाफ पोजीशन, मेडिकल पोजीशन, सारी चीज़ें, बेड कितने, किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर खाली हैं, आपको क्लिक ऑफ द बटन पे पता चल जाएगा। इसके ज़रिए आप डॉक्टरों से, आपको लंबी लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अस्पतालों के अंदर, आप अपने फ़ोन के ऊपर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और तय समय के ऊपर आप अस्पताल जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाने का आज कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। कौन सी कंपनी है? NEC को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और 130 करोड़ के लगभग का ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो वो पैसा भी सैंक्शन कर दिया गया है और इस कंपनी को अवार्ड भी कर दिया गया है। हाँ, लगभग 7,000 नए बेड्स तैयार किए जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर। ये बहुत बड़ा एक तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इजाफा है। आज दिल्ली में सरकारी सेक्टर में 10,000 बेड्स हैं, सरकारी अस्पताल जितने भी मिला लो दिल्ली के, लगभग 10,000 दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड्स हैं। अब 7,000 बेड्स और ऐड किए जा रहे हैं, 6,800 एग्जैक्टली। ये एक तरह से 70% इजाफा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, और ये 6 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएंगे। तो एक तरफ अगर कोरोना की वेव आती है तो उसमें मदद मिलेगी, लेकिन अगर कोरोना की वेव नहीं भी आती है तो ये एक तरह से अपने लिए, दिल्ली के लोगों के लिए परमानेंटली 7,000 नए बेड्स तैयार हो जाएंगे। तो ये कुछ मुख्य निर्णय आज कैबिनेट के अंदर लिए गए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।